अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। अभी आने वाले हमारे 10th क्लास एग्जामिनेशंस में आपको MCQ में क्वेश्चंस दिया जाएगा बल्कि सुनने में आ रहा, तो इस सिलसिले में मैं क्या कर रहा, तो अब आपको MCQ में अगर क्वेश्चंस देंगे तो फिर किस में देंगे, कैसा देंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर फ्रेम कर लिया, तो ताकि वो क्वेश्चन आंसर आपको आसानी के साथ समझा दूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आप आसानी के साथ उसको अटेंड कर सकें। अब यहाँ पर मैं अब ये भागवत रत्नालु पाठ्य भाग रचयित ये वरु, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब उसके अंदर ऑप्शंस में पोतना बी एर नयातिक ऐसे ABCD के ऑप्शनों में, अब तो ये जो ऑप्शंस में जो देखिए उसको आपको अभी इससे पहले इंटरनल मार्क्स देते थे, वो इंटरनल मार्क्स भी नहीं रहेंगे आपके पास, तो इंटरनल मार्क्स नहीं रहने की वजह से अभी क्या करेंगे, ये MCQ क्वेश्चंस देखिए आपको इसके अंदर 25 मार्क्स डिजाइन कर लेंगे, उसको आप इंटरनल मार्क्स के तौर पे करने का इरादा गवर्नमेंट के पास है। तो अभी आपको क्वेश्चंस याद करना है, पोएम्स याद करना है, ये सारी चीज़ें अलग नवयत है। तो अभी हमारे पास इंटरनल मार्क्स के बदले में हम ये 25 मार्क्स का एक एग्जाम कंडक्ट कर लेके उसको इंटरनल मार्क्स में देने की कोशिश चल रही है, तो उस क्वेश्चन से अगर दिए तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, इस सिलसिले में कुछ डिजाइन कर लिया। 4 लेसनों का सिलेबस है हमारे पास, तो 4 लेसनों को अब यहाँ पर भागवत रत्नालु पाठ्य भाग रचयिते यवरु, यानी ये जो फर्स्ट लेसन भागवत रत्नालु है उसको लिखे सवाले का नाम क्या है, मैं आपको सिंपल जस्ट आंसर दे दिया पोतना, बाकी ABCD के जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पोतना ये शताब्दी मॉडल, ये पोतना कौन सी सेंचुरी का है, उसको 15वीं शताब्दी मॉडल बोल के लिखना है। उसके बाद है पोतनों के लिए बिरदुलु, ये पोतना के जो अवार्ड्स है वो अवार्ड्स क्या क्या है, एक अवार्ड का नाम है सहज कवि और एक अवार्ड का नाम है सहज पंडितुलु, ये उनके। उसके बाद पोतना जन्मस्थलम, फिर कहाँ पर पैदा हुए, पोतना कहाँ पर पैदा, जनगांव जिला बम्बेरे ग्राम, जनगाम का अभी रिसेंटली जनगाम, इससे पहले वारंगल जिला था, तो वारंगल जिला जाके अभी जनगाम जिला नया बन गया, तो वहां पर बमेरा इनके गांव का नाम है। पोदन तल्ली दरुले उरु, तो पोदना के माँ बाप वालदे उनका नाम क्या है, तो पोता तल्ली लक्कामांबा, इनके जो मदर है मदर का नाम है लक्कामांबा, तंत्री का फादर का नाम है केसन, तो तल्ली दरुलु पोतना तल्ली दंडलू, पोतना के माँ बाप का नाम है तल्ली लक्कामांबा तल्ली केसा, ये दो चीजें ध्यान में रखिए। पोतना रचनालु, फिर उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, ये किताबों का नाम क्या है, भोगिनी दंडकम एक, वीरभद्र विजयम सेकंड, नारायण शतकम थर्ड, श्री महाभागवतम, ये 4 फेमस इनकी फेमस किताबें हैं। तो इनके पोतना मेरा पोतना लिखी हुई एक फेमस किताबें हैं इनकी, भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम, ये इनके फेमस किताब है। अब उसके बाद पोएम में से आ जा रहा, पोएम में क्वेश्चन बता रहा, चतु को निवाड़ ये मगनु, तो चतुवन चतु को निवाड़ अज्ञानी अगुनु, वो बेवकूफ होता है, फूल होता है। उसके बाद में चतु कुंटे ये मोतुंदी, फिर पढ़ लिखे तो क्या फायदा होता है, तो चतु कुंटे మంచి చెడులను తెలుసుకునే నేర్పు వస్తుంది, అచ్చే బురేకి ఫరక్ కర్నా మాలూమ్ హోతా, ఏ చీజ్ మంచి చెడులను తెలుసుకునే నేర్పు వస్తుంది, ఏ చీజ్ ఎందరికి, ఫిర్ ఉస్కే బాద్ మే ప్రజలు ఎవరి వద్ద చదువుకోవాలి, ఫిర్ కిత్కే పాస్ పడనా చాహియే, ప్రజలు ఎవరి వద్ద చదువుకోవాలి, యానీ జో పబ్లిక్ కి కిస్కే పాస్ పడనా చాహియే, శ్రేష్ఠులైన గురువుల వద్ద, యానీ అచ్చే డెడికేటెడ్ ఎంతూజియాస్టిక్, యానీ హమేషా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డెడికేటెడ్ టీచర్స్ కే పాస్ పడనా, శ్రేష్ఠులైన గురువుల వద్ద చదువుకోవాలి। అవ్ ఉస్కే బాద్ మే బలవంతులకు బలహీనులకు ప్రాణులకు ఎవడు బలము, సెకండ్ పోయమ్ కే ఉస్కే అందర్ ఆరా, అనే తాకత్వరం కో కమ్జోరం కో ఆర్ పూరే జానవర్ చరిందే పరిందో కో జానవర్ కో తాకత్ దేనే వాలా కౌన్ హే, భగవంతుడు అల్లా తాలా, తో యే చీజన్। ఉస్కే బాద్ మే పరహితుడు ఎవరికి పరమహితుడు అవుతాడు, ఏ పరహితుడు ఎవరికి పరమహితుడు అవుతాడు, ఏ పరహితుడు ఇది వర్డ్ హై ఇది దూసరికి మదద్ కర్నే వాలా, అనే పంచభూతాలకు, పంచభూతాలకు, పంచభూతాలు క్యా క్యా హై, ఏ एयर वाटर फायर स्काई एंड अर्थ, ये पूरे चीजें पंचभूतारू बोल के कहला जाता है, तो ये पंचभूतारू के परमहित अवतारु अभिमानधनुड़ एरा उंटारु, तो अभिमानधनुड़ माटल मात्रम तप्परु, ये लोग क्या है अपने बात पे खड़े रहते, बात पे स्टैंड रहते हैं, उनकी बात हमेशा परफेक्ट रहती,
अरे कुछ भी, अरे इज्जतदार लोग, महाराजा अभिमाना लोग एला उठा, ये कैसे रहते हैं, बल्कि क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये लोग हमेशा अपनी बात पे कायम रहते हैं। तो ऐसे चीज है, मैं यहाँ पर आपको आने वाले मेरे वीडियोस में मैं ये पूरे बताते जाऊंगा आपको। तो चार लेसनों का ऐसा सिलेबस मैंने डिजाइन किया हूँ। ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग लर्न कर लीजिए, और आपके जो एग्जामिनेशन, चाहे आप इंटरनल मार्क्स के लिए लिए जाएंगे या नहीं तो एनुअल एग्जामिनेशन में भी, आपको अगर एग्जाम एमसीक्यू टाइप में अगर आंसर करना है या तो आप इसीलिए फायदेमंद रहेगा। तो देखते रहिएगा समोसा तेलुगु चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियोस के लिए देखते रहिएगा। तब तक के समोसा कोई ज़्यादा